नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्याज से जुड़ी ये बात आएगी आपके काम। जानिए 10 खास बातें के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। किचन में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक काम है प्याज काटना। प्याज काटते समय अधिकतर लोगों को आंसू आ जाते हैं। यहाँ जानिए किचन के लिए छोटी छोटी टिप्स जिनसे आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं और खाना बनाने का काम आराम से पूरा हो सकता है। एक, प्याज काटने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद प्याज काटने पर आंसू नहीं आएंगे। दो, फूलगोभी पकाते समय सब्जी में एक चम्मच दूध डाल दें। ऐसा करने पर फूलगोभी का रंग नहीं जाएगा। तीन, अगर आप प्याज के बिना ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पत्ता गोभी को बारीक काट लें और प्याज की तरह पीस लें या फ्राई कर लें। इसे ग्रेवी में उपयोग करेंगे तो बिना प्याज के भी खाना स्वादिष्ट बनेगा। चार, सलाद काटते समय सब्जियों को हमेशा तिरछा या आड़ा रखकर काटना चाहिए। ऐसा करने से उनका जूस बना रहता है। पाँच, सलाद बनने से पहले टमाटर धोकर 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे तो टमाटर को मनचाहे शेप में आसानी से काट सकेंगे। 6. उबले आलू का सलाद बनाते समय आलू को उबालते समय उनमें नमक, चुटकी भर चीनी, 2-3 पुदीने की पत्ती और आधा चम्मच तेल मिला दें। आलू का और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे। 7. गाजर मूली का सलाद बनाते समय ध्यान रखें कि ये सब्जियां काटने के बाद ज्यादा देर तक न रखें। ऐसा करने पर इनके पौष्टिक गुण खत्म हो जाते हैं। 8. दाल पकाते समय थोड़ी सी हल्दी और तेल की कुछ बूंदे डाल दें। इससे दाल जल्दी पकेगी और स्वाद भी बढ़ेगा। 9. दही बड़े बनाने के लिए दाल पिसते समय दाल में एक उबला आलू भी मिला लें। ऐसा करने से दही बड़े नरम बनेंगे। 10. ग्रेवी बनाते समय टमाटर ना हो तो एक सेब का उपयोग कर सकते हैं। सेब का छिलका निकालकर लहसुन, भुनी सौंफ और एक इलायची के साथ पीस लें। इसे टमाटर ग्रेवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।